DWSim ओपन सोर्स केमिकल प्रोसेस सिमुलेटर पर इस ओवरव्यू स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम DWSim संस्थापित करना सीखेंगे, DWSim से परिचित कराएंगे, पहले से उपलब्ध DWSim स्पोकन ट्यूटोरियल्स की एक झलक देखेंगे, DWSim के लिए उपलब्ध सभी संभव मदद के बारे में सीखेंगे। लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेंगे, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल को विंडोज 7 पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। सिमुलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल और इस मॉडल के लिए कंप्यूटर सॉल्यूशन से एक फिजिकल सिस्टम का अध्ययन। सिमुलेशन फिजिकल सिस्टम के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। ये सस्ता है, सुरक्षित है और तेज है। ये वास्तविक सिस्टम पर इन अध्ययनों को करने की जरूरत को हटाता है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन किफायती होते हैं और अपेक्षाकृत कम समय में पूरे होते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण है सिमुलेशन। रिलायंस जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्ट्रीम रिफाइनरी था जब वो शुरू हुआ था। कम समय में लग गया, एक बार फिर सिमुलेशन को धन्यवाद। बहुत से कमर्शियल यानी व्यापारिक प्रोसेस सिमुलेटर्स हैं। कुछ सामान्य उद्देश्य सिमुलेटर्स जहाँ सूचीबद्ध किए गए हैं। DWSim क्या है? ये अत्याधुनिक आर्ट प्रोसेस सिमुलेटर की अवस्था है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल मुफ्त, डेनियल द्वारा विकसित किया गया, ग्रेगोर द्वारा थर्मोडायनेमिक सपोर्ट, पूरे विश्व में उपयोग किया हुआ। अब मैं समझाऊंगी कि विंडोज 7 पर DWSim कैसे संस्थापित करते हैं। यहाँ प्रदर्शित लिंक पर जाएं। मैं पहले से ही इस लिंक पर हूँ, डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। मैंने ये पहले ही कर लिया है, मुझे ये फाइल मिल गई। ये डाउनलोड्स डायरेक्टरी में है, ये यहाँ है। इसके वर्जन के आधार पर इस फाइल का नाम अलग हो सकता है। राइट क्लिक करें, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएं, नेक्स्ट पर क्लिक करें, आई एग्री पर क्लिक करें। आपको CAMSAP और C++ लाइब्रेरीज चाहिए, दोनों बॉक्सेस को चेक करें, एंटर दबाते रहें, DWSim संस्थापित होता है। ये प्रक्रिया उपयोग करके मैंने पहले ही DWSim संस्थापित कर लिया है, अतः मैं इस संस्थापन प्रक्रिया को कैंसिल करूंगी। यस पर क्लिक करें। मैं इस विंडो को मिनिमाइज करती हूँ। मैं डेस्कटॉप से इसके आइकन पर डबल क्लिक करके DWSim खोल सकती हूँ। मैंने DWSim पहले ही यहाँ खोल लिया है। आप बहुत से मेन्यूज और रोमांचक क्षमताएं देख सकते हैं। DWSim एक अद्भुत हेल्प सुविधा रखता है। आप F1 दबाकर इसे उपयोग कर सकते हैं। मैं F1 दबाती हूँ, मुझे ये हेल्प पेज मिलता है। इसमें बहुत सी जानकारी है। मैं सिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स दबाती हूँ। अब यूनिट ऑपरेशंस दबाती हूँ। मैं सेपरेटर पर डबल क्लिक करती हूँ। इसने मुझे ये पेज दिया है। ये सेपरेटर पर बहुत सी जानकारी रखता है। अब मैं विंडो मिनिमाइज करती हूँ। अब मैं स्लाइड पर जाती हूँ। अब मैं DWSim के कुछ लाभ देखती हूँ। ये पूरी तरह मुफ्त है। ये उत्तम थर्मोडायनेमिक्स और सॉल्वर्स रखता है। हर एक के लिए पूरा सोर्स कोड उपलब्ध है। DWSim का मैनुअल प्रत्येक गणना समझाता है। कमर्शियल सिमुलेटर इन्हें गोपनीय रखते हैं। यूजर मॉडल्स, कंपाउंड्स और थर्मोडायनेमिक्स बना सकता है। कोई व्यक्ति अन्य प्रोग्राम्स के साथ DWSim की थर्मोडायनेमिक लाइब्रेरी भी उपयोग कर सकता है। हमारे पास DWSim पर उत्तम स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं। हम DWSim में मटेरियल स्ट्रीम्स के निर्माण के साथ शुरू करेंगे। मैंने सारे स्पोकन ट्यूटोरियल्स पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं। मैं एक एक करके उन्हें प्ले करूंगी। मैं इसे प्ले करती हूँ। क्रिएटिंग अ मटेरियल स्ट्रीम इन DWSim पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगला ट्यूटोरियल फ्लो शीटिंग पर परिचय है। यह एक फ्लैश और एक मिक्सर के साथ एक सरल फ्लो शीट बनाता है। अब इसे सुनते हैं। DWSim में इंट्रोडक्शन टू फ्लो शीटिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है।
अगला ट्यूटोरियल समझाता है कि शॉर्टकट द्वारा एक डिस्टिलेशन कॉलम को कैसे सिमुलेट करते हैं। अब इसे सुनते हैं। DWSim में शॉर्टकट डिस्टिलेशन कॉलम सिमुलेट करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगला ट्यूटोरियल समझाता है कि रिग्रेस डिस्टिलेशन गणनाओं को कैसे कार्यान्वित करते हैं। इसके लिए शुरुआती पॉइंट शॉर्टकट डिस्टिलेशन है। अब इसे सुनते हैं। DWSim में सिमुलेटिंग अ रिग्रेस डिस्टिलेशन कॉलम पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अंतिम ट्यूटोरियल जो मैं दिखाती हूँ वे सेंसिटिविटी एनालिसिस को समझाता है। अन्य वेरिएबल्स पर कुछ वेरिएबल्स के सेंसिटिविटी स्टडी यानी संवेदनशील अध्ययन को करने में मदद करता है। एडजस्ट ऑपरेशन वही चीज स्वयं ही करता है। DWSim पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस और एडजस्ट कैसे करते हैं। ये ट्यूटोरियल का सारांश है जो हमने अभी देखा। DWSim उपयोग करके कोई भी शीघ्रता से फ्लोशीटिंग प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकता है। व्हाट इफ यानी क्या होता है यदि अध्ययन करें, समस्याओं को पहचानना और आउटपुट को बढ़ाने के तरीके। विद्यार्थियों के लिए DWSim अत्यंत ही उपयोगी होगा। यह उन्हें सिद्धांतों को अच्छे से समझाने में मदद करेगा। उनकी दक्षता उद्योग में लाभ को सुधारने में मदद करेगी। वे ज्यादा संख्या में इंजीनियरिंग की ही जॉब्स प्राप्त करेंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो काउंसलिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अतः कोई मदद उपलब्ध नहीं है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। DWSim के यूजर्स के लिए बहुत सी मदद उपलब्ध है। हम उनको एक एक करके समझाएंगे। हमारे पास स्पोकन ट्यूटोरियल फोरम है। इस लिंक पर जाएं। मैंने इसे पहले ही खोल लिया है। क्षैतिज स्क्रॉल उपयोग करें। आप व्यू ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप दिए गए समय में केवल एक सॉफ्टवेयर में रुचि रख सकते हैं। इसके आगे वाले पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए अब मैं पाइथन पर प्रश्न दिखाती हूँ। याद रखें, आपको पिछली चर्चा देखने के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करके एक नया प्रश्न भी पोस्ट कर सकते हैं। ये लॉगिन से पहले है। इस पर क्लिक करें। आपको प्रश्न पोस्ट करने के लिए लॉगिन करना है। अगर आप पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको एक बार ये करने की जरूरत है। मैं इस साइट पर पहले से ही पंजीकृत हूँ। अब मैं इस पर क्लिक और लॉगिन करती हूँ। मुझे एक कैटेगरी चुननी है। मैं DWSim चुनती हूँ। मानिए कि आपको फ्लोशीटिंग ट्यूटोरियल में एक प्रश्न है। इंट्रोडक्शन टू फ्लोशीटिंग ट्यूटोरियल चुनें। मानिए ये प्रश्न 3 मिनट 35 सेकंड पर आता है। मिनट में 3 से 4 चुनें। सेकंड में 30 से 40 चुनें। अपना प्रश्न यहाँ लिखें और हरा बटन उपयोग करके इसे सबमिट करें। अब मैं अगली स्लाइड पर जाती हूँ। क्या होता है यदि आपके पास एक सामान्य प्रश्न है जो स्पोकन ट्यूटोरियल से नहीं है, अतः इसके लिए मिनट और सेकंड नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक नई समस्या के लिए भी हो सकती है जो आपने DWSim उपयोग करके हल करने की कोशिश की। इसके लिए हमारे पास फॉसी ग्रुप के नेतृत्व में एक अन्य फोरम है। वहाँ जाते हैं। क्षैतिज स्क्रॉलिंग मेन्यू से कैटेगरी चुने। आप पिछले प्रश्न देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। उदाहरण के लिए अब फॉसी लैपटॉप पर चर्चा करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप प्रिंटर्स पर चर्चा देख सकते हैं। आप DWSim पर कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब मैं आस्क क्वेश्चन लिंक पर क्लिक करती हूँ। अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आपको लॉगिन करना है, लेकिन पहले आपको रजिस्टर करना है। अब उपलब्ध हेल्प के अलग तरीके पर जाते हैं। हमारे पास टेक्स्टबुक कंपेनियंस नामक सुविधा है। ये स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक्स से हल किए हुए प्रश्नों का DWSim सॉल्यूशन देता है। ये इस लिंक पर उपलब्ध है। अब मैं फॉसी के DWSim पेज पर जाती हूँ। अब मैं टेक्स्टबुक कंपेनियन प्रोजेक्ट के लिंक पर क्लिक करती हूँ। ये मुझे यहाँ लाता है। यहाँ आप इस प्रोजेक्ट पर
परिचय देख सकते हैं। आप यहाँ पूर्ण DWSim टेक्स्टबुक कंपेनियन देख सकते हैं। आगे इस लिंक पर देखें। यह लैब माइग्रेशन प्रोजेक्ट कहलाता है। मैं इसे अगली स्लाइड में समझाऊंगी। हम कमर्शियल सिमुलेटर्स पर आधारित लैब को DWSim पर स्थानांतरण में मदद करते हैं। हम उनको मानदेय और प्रमाण पत्र देते हैं जो ये करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं। मैंने आपको पहले बताया कि DWSim पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। DWSim के सारे उपयोग करने वाले और बनाने वाले आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पूरे विश्व में दोस्तों से उपलब्ध कुछ मदद देखेंगे। यूनिट ऑपरेशंस पर उत्तम मैनुअल उपलब्ध है। जब आप DWSim संस्थापित करते हैं, तो आप इसकी एक कॉपी प्राप्त करते हैं। ये DWSim के डॉक्स फोल्डर में उपलब्ध है। DWSim का वर्तमान वर्जन इसे यूनिट ऑप्स एंड यूटिलिटीज गाइड कहता है। मैंने इसे पहले ही खोल लिया है। अब नीचे जाएं। अब हीट एक्सचेंजर पर क्लिक करें और गणनाओं को देखें। आप यहां गणनाएं देखते हैं। अब मैं इस मैनुअल को मिनिमाइज करती हूँ। अगली स्लाइड एक अन्य मैनुअल के बारे में बताती है। उसी फोल्डर में प्रॉपर्टीज मैनुअल पर जाएं। वर्तमान वर्जन में ये टेक मैनुअल कहा जाता है। मैंने इसे पहले ही खोल लिया है। अब फिगरसिटी कैलकुलेशन के बारे में एक विवरण देखते हैं। अब मैं एक अंतिम मदद दिखाती हूँ। ये DWSim डिस्कशन यानी परिचर्चा फोरम है। मैंने यहाँ एक लिंक दिया है। आप पिछली चर्चा देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न भी पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। मैं पहले से ही उस पेज पर हूँ। अब मैं इसे बंद करती हूँ। अब इसे सारांशित करते हैं। हमने इस ट्यूटोरियल में निम्न करना सीखा। DWSim को कैसे संस्थापित करते हैं। DWSim पर उपलब्ध स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखे। समझाया कि आपको DWSim क्यों उपयोग करना चाहिए। स्पोकन ट्यूटोरियल और फॉसी प्रोजेक्ट से उपलब्ध मदद और प्रोजेक्ट्स। पूरे विश्व के संप्रदाय से DWSim पर मदद। मेरे पास आपके लिए 10 नियत कार्य हैं। अपनी मशीन पर DWSim संस्थापित करें। देखें कि DWSim खुलता है। DWSim इंटरफेस का अन्वेषण करें। प्रत्येक मेनू और बटन पर जाएं। देखें कि DWSim क्या कर सकता है। यहाँ प्रदर्शित स्पोकन ट्यूटोरियल्स का अभ्यास करें। इसके लिए इस ट्यूटोरियल में प्रदर्शित साइड बाय साइड मेथड उपयोग करें। अब मैं इस ट्यूटोरियल को प्ले करती हूँ। साइड बाय साइड मेथड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब मैं अगले नियत कार्य पर जाती हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल डिस्कशन फोरम पर जाएं, पिछली चर्चा को देखें। ट्यूटोरियल में अपने संदेह पर आधारित समय मर्यादित प्रश्न पूछें। फॉसी डिस्कशन फोरम पर जाएं, DWSim डिस्कशन देखें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें और प्रश्न पूछें। DWSim के लिए टेक्स्टबुक कंपेनियन बनाएं। अपनी सिमुलेशन लैब को DWSim पर रूपांतरित करने में मदद करें। DWSim के साथ आई मैनुअल्स को देखें। DWSim के विश्व संप्रदाय के डिस्कशन फोरम पर जाएं। पिछली चर्चाओं को देखें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें और प्रश्न पूछें। अब मैं आखिरी नियत कार्य पर जाती हूँ। DWSim खोलें और F1 दबाएं। हेल्प सुविधा का अन्वेषण करें। इस लिंक पर उपलब्ध ट्यूटोरियल्स पर भी जाएं। हेल्प सेक्शन में मैं इसका उल्लेख करना भूल गई। ये लिंक आपको इस पेज पर ले जाएगा। अब मैं स्लाइड पर वापस जाती हूँ। ये वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल और फॉसी प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। ये स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।